अब फर्स्ट गियर से बाइक को चलाने के लिए आपको बिल्कुल एक्सेलरेटर यूज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसे छूना भी मत। बस क्लच को समझो, मैंने फुल पकड़ा है, अब इसे धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है। देखो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, बाइक चलना स्टार्ट हो गया। सो हेलो फैमिली, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। एंड आज का वीडियो स्पेशल इस टॉपिक पे होने वाला है कि बिगनर्स कैसे ड्यूक 390 राइड करें। आई मीन जो बिगनर्स कभी बाइक चलाए नहीं है पहले, या फिर कोई दूसरी बाइक चलाए हैं बट ड्यूक 390 जैसा पावरफुल मशीन नहीं चलाए, तो वो लोग ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखे, आप एक प्रो बन के जाओगे इस मशीन को चलाने में। सो बाइक को चला के प्रैक्टिकल करने से पहले हमें कुछ थ्योरीज जानना जरूरी है कि बाइक में क्या क्या हमें मिलता है एंड किस चीज़ का क्या काम है। पहले थ्योरी जानेंगे फिर प्रैक्टिकली बाइक को चला के दिखाएंगे। एंड जो कुछ मैं बताऊंगा पूरा ध्यान से सुनना एंड वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना। सो फर्स्ट थिंग, आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओके। किसी भी बाइक हो, आप कॉन्फिडेंस रखो कि मैं चला सकता हूँ। डरोगे ना तो कहीं पर गिरेगा, कहीं पर ठुकोगे, या फिर बार बार स्टार्ट बंद करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप सीखना भी बंद कर दोगे। तो फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस रखो। सेकंड थिंग इज अपने माइंड को काम रखो, ओके। बाइक चलाते वक्त कोई दूसरा थॉट मत लाओ, पैनिक मत करो, धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे चलाओ। सीखने में 10-15 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट, धीरे धीरे सीखो। एंड हाँ, बाइक तब तक आपके कंट्रोल से नहीं जाएगी जब तक आपका कंट्रोल ये एक्सेलरेटर पे है, ठीक है। सो समझ लो कि बाइक मेरे हाथ में है, मैं जितना भगाऊंगा उतना भागेगी, ओके, ये अपने आप रिएक्ट नहीं करती। एंड थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे ये बाइक को उतना समझोगे एंड उतना अच्छे से राइड कर पाओगे। एंड सिर्फ ये बाइक नहीं, कोई भी बाइक हो, आई मीन कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस लो, कोई भी बाइक चला सकते हो, ठीक है। तो चलिए बाइक को कहीं पर रोकते हैं एंड आते हैं थ्योरीज पर कि बाइक में हमें क्या क्या मिलता है एंड किस चीज़ का क्या काम है। उसके बाद प्रैक्टिकली सब कुछ चला के दिखाऊंगा आपको एंड आप भी सीखना मेरे साथ। सो स्ट्रेट इनटू द पॉइंट, पहले हम बाइक पे बैठते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये डैशबोर्ड है बाइक का, सामने से हमें ऐसे ही दिखता है। एंड क्या क्या मिलता है सामने ना, राइट साइड में हैंडल बार पर क्या मिलता है, यह है किल स्विच, ओके, यह है ऑन, यह है ऑफ। किल स्विच का काम ही यही है कि इंजन का पावर कट करना या फिर इंजन का पावर ऑन करना, ओके, बस पावर ऑन ऑफ, इसको बंद करोगे तो इंजन बंद हो जाएगा। फिर हमें मिलता है एक्सेलरेटर, एंड एक्सेलरेटर का काम है कि आपको कितना पावर चाहिए व्हील्स में, आई मीन गाड़ी के पहिए पर आपको कितना पावर चाहिए, जितना ट्विस्ट करोगे उतना पावर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। एंड सामने हमें मिलता है ब्रेक, ये है फ्रंट वाला ब्रेक, ओके। एंड ज़्यादातर बाइक चलाते वक्त हमेशा याद रखना कि फ्रंट वाला ब्रेक ज़्यादा यूज करो, आई मीन 70% ना फ्रंट वाला ब्रेक यूज करो, क्योंकि फ्रंट वाले ब्रेक का स्टॉपिंग पावर ज़्यादा रहता है, क्योंकि फ्रंट में डिस्क भी बड़ा रहता है तो स्टॉपिंग पावर ज़्यादा रहता है। एंड नीचे हमें यहाँ पर मिल जाता है स्टार्ट बटन, मेरा थंब देखो, ये सिंगल क्लिक स्टार्ट है, मतलब कि बाइक का चाबी ऑन करो, एक बार दबाओ, स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेलरेटर देने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलता है। लेफ्ट साइड में हमें ये कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं TFT के, जो कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं, जब चलाओगे बाइक में मास्टरी कर लोगे तब जानना, अभी जानोगे तो आपका ध्यान इन सब में डिस्टर्ब्ड होगा, सो कुछ फ़ायदा नहीं है, ओके। और ऊपर हमें मिल जाता है हेड डीपर, ये लाइट्स का कंट्रोल है एंड ये है पास, इसको दबा के छोड़ने से पास लाइट होता है, ये सामने फ्रंट लाइट का कंट्रोल है। जब आप सीख रहे होगे तो दिन में सीखोगे तो इसको भी आप इग्नोर कर दो, इसका कुछ काम नहीं है। अब ये मेन चीज़ है, ये है इंडिकेटर, लेफ्ट राइट, इसको पूरा रट लो, ठीक है, क्योंकि जब बाइक चलाओगे आपका ध्यान सामने होना चाहिए। तो मैं जो भी चीज़ अभी बता रहा हूँ थ्योरी में, सबको ध्यान में रखो, रट लो पूरा, ताकि जब बाइक चलाओ तो आपका ध्यान रहे सामने एंड आप बाइक चलाते वक्त ना ये सब अपने आप हाथ से फील करके यूज कर पाओ, ऐसा नहीं कि आप नीचे देख रहे हो एंड बाइक चला रहे हो सामने कहीं पर ठोक दोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड ये रहा हमारा हॉर्न। अब हाथ में क्या क्या कंट्रोल करना है पता चल गया, अब देखते हैं पैरों से क्या कंट्रोल करना है, हमारे लेग्स क्या क्या काम आते हैं बाइक चलाते वक्त। सो हमारा राइट पैर के नीचे हमें मिल जाता है ब्रेक, यह है रियर वाला ब्रेक, सामने मिलता है फ्रंट वाला ब्रेक और नीचे मिलता है रियर वाला ब्रेक। एंड रियर ब्रेक को हमेशा 30% यूज करना, क्योंकि रियर ब्रेक का स्टॉपिंग पावर इतना रहता नहीं है, ज़्यादातर अगर बाइक को आपको हड़बड़ी में रोकना है तो फ्रंट ब्रेक हमेशा यूज करना। सो राइट साइड में है हमारा गियर, इसे हम डाउन एंड अप करके कंट्रोल करते हैं। सो आपको पता चल गया गियर कहाँ पर है,
तो गियर का काम क्या है बेसिकली, हमको एक डिफरेंट गियर पे डिफरेंट पावर आउटपुट मिलता है बस, या फिर एक स्पीड रेंज मिलता है। जैसे कि आप फर्स्ट गियर पे 20 स्पीड तक जा सकते हो, सेकंड गियर पे 40 या 50 तक जा सकते हो, ठीक है। सो बस इतना समझ लो कि आपको कितना पावर चाहिए, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा गियर, जितना कम पावर उतना कम गियर, सिंपल। तो अब आते हैं मेन चीज़ पे कि गियर को हम कंट्रोल कैसे करें, आई मीन गियर शिफ्टिंग कैसे करें, अप डाउन मैंने ऐसे बोल दिया बट प्रैक्टिकल क्या है। तो अभी सीखते हैं कि हम गियर को कैसे शिफ्ट करें, आई मीन गियर को कैसे एंगेज करके बाइक चलाए। अभी बाइक हमारा न्यूट्रल में था, सो अगर हमको फर्स्ट गियर पे लाना है तो हम क्लच दबाएंगे एंड ये गियर लीवर को ना नीचे प्रेस करेंगे पैरों से, बाइक एंगेज हो गया फर्स्ट गियर में। अगर हमें फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाना है तो हमारा पैर ऐसे नीचे फंसाएंगे और ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो बाइक गया सेकंड गियर में। अब अगर ऊपर एंगेज करना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऐसे ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे, थर्ड फोर्थ ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर फिर आपको गियर डाउन करना है, कमाना है, स्लो स्पीड्स पे आना है एंड गियर कमाना है, तो हम ऐसे ही पैर ऊपर रखेंगे और नीचे दबाते जाएंगे, 3 2 1, समझ गए ना। तो मैं गियर डालने के लिए पहले क्लच को दबाऊंगा एंड उसके बाद हमारा जो गियर लीवर है इसे मैं शिफ्ट करूंगा, ठीक है। देखो 1 में है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 5 और 6 भी अप शिफ्ट होगा। अगर हमें नीचे शिफ्ट करना है या फिर गियर कम करना है तो फिर मैं नीचे दबाऊंगा लीवर को, ठीक है। लीवर को नीचे ऐसे पैर से नीचे प्रेस करोगे, ओके। कैसे, 3 में आ गया, 2 में आ गया, 1 में आ गया, राइट। अब सब क्लच का मसला है, अब क्लच को समझते हैं। ये रहा हमारा क्लच। कभी भी गियर शिफ्ट कर रहे हो तो क्लच को फुल एंगेज करना, मतलब ऐसे पूरा टाइटली पकड़ना, ऐसा नहीं कि आधे में कर रहे हो, ठीक है। बाइक झटके खा के स्टार्ट बंद कर सकती है, तो आधे में शिफ्ट मत करना, बिल्कुल फुल दबाना फिर शिफ्ट करना। तो अब चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं एंड पूरा प्रैक्टिकली समझते हैं। बाकी जो मैंने थ्योरी बताया उसे एक दो बार रिपीट करके देख लो ताकि बाइक का पूरा फंक्शनैलिटी आप समझ पाओ। सो पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट। अब आपका बाइक मिल गया आपको एंड आप बाइक चलाने वाले हो, चुपचाप बाइक पे बैठो, की ऑन करो पहले, की ऑन हो गया उसके बाद हमारा किल स्विच दबाओ, एक साउंड होगा कूं करके, ये फ्यूल पंप का साउंड है। सो फ्यूल पंप ऑन हो गया, उसके बाद देखना किस गियर में है बाइक, पहले देखना, ठीक है। तो बाइक हमारा है फर्स्ट गियर पे, तो पहले हम क्लच दबाएंगे एंड नीचे ये गियर लीवर को थोड़ा हल्का सा ऊपर पुश करेंगे। हल्का सा करोगे तो न्यूट्रल पे आ जाएगा, अगर ज़्यादा प्रेशर देके ऊपर पुश कर दोगे तो फिर सेकंड गियर पे चला जाएगा बाइक। नीचे रहा स्टार्ट बटन, इसको बस हमें एक बार दबाना है, ऐसे दबा के छोड़ देना है, ओके। दबा के छोड़ दिया, बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। देखो बाइक न्यूट्रल में है, सो बाइक को चलाने के लिए ना पहले आपको क्लच को दबाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे गियर लीवर है उसको नीचे प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे झटका आ गया एंड आपको फील हो जाएगा कि एक गियर पड़ा, एक गियर एंगेज हुआ एंड यहाँ पर भी लिख के आ जाएगा कि फर्स्ट गियर एंगेज्ड। अब फर्स्ट गियर से बाइक को चलाने के लिए आपको बिल्कुल एक्सेलरेटर यूज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसे छूना भी मत, बस क्लच को समझो मैंने फुल पकड़ा है, अब इसे धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है। देखो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, बाइक चलना स्टार्ट हो गया, देखो स्टार्ट हो गया, 9 10 9 10 9 10 यही स्पीड मेंटेन कर रहा है। देखो जब क्लच पूरा तुम छोड़ दो ना 9 10 स्पीड पे, तब एक्सेलरेटर देना स्टार्ट करना, ऐसे एक्सेलरेटर भी धीरे धीरे देना, बिगनर हो पूरा एग्रेसिव मत होना एक्सेलरेटर पे, पूरा स्मूथली ऐसे धीरे धीरे देते जाना, अब आप आराम से चला पाओगे फर्स्ट गियर पे। अब ऐसा फर्स्ट गियर पे थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, ऐसे ही फर्स्ट गियर पे चलाते रहो, कोई गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आराम से ऐसे एक्सेलरेटर को कंट्रोल करना सीखो, कभी बढ़ाओ धीरे से, कभी घटाओ छोड़ दो, कभी धीरे से बढ़ाओ कभी छोड़ दो। तो अब हम फर्स्ट गियर पे चला के बाइक बिल्कुल पूरा प्रैक्टिस कर लिए, हमें याद रह गया कि कैसे क्लच छोड़ के फर्स्ट गियर पे एंगेज करके बाइक चलाना है। तो बाइक को सेकंड गियर में डालने के लिए हमें गियर लीवर को ऊपर पुश करना पड़ेगा, तो पहले क्लच पकड़ेंगे फिर गियर लीवर को ऊपर पुश करेंगे, ओके। तो बाइक आ गया हमारा सेकंड गियर पे,
अब ऐसे धीरे धीरे एक्सेलरेटर देते रहेंगे, क्लच को छोड़ते रहेंगे, एक्सेलरेटर देते रहेंगे, क्लच को छोड़ते रहेंगे, ठीक है। जब एक टाइम आएगा कि क्लच पूरा छूट गया, अब बस एक्सेलरेटर दे के चलाना, चलाए, अब ज़्यादा स्पीड चाहिए तो फिर हमें थर्ड गियर पे जाना पड़ेगा ज़्यादा स्पीड के लिए, तो फिर से क्लच को दबाओ, गियर को एक ऊपर करो और फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ो एंड एक्सेलरेटर देते जाओ। प्रैक्टिस करते वक्त तुम लोग थर्ड गियर से ज़्यादा मत ही चलाओ। थर्ड गियर में ये बाइक 110-120 तक जा सकती है, तो थर्ड गियर इज़ एनफ। बाइक को तुम थर्ड गियर तक ही चलाओ, उसके बाद बस प्रैक्टिस करो कि थर्ड गियर से सेकंड गियर, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर, बस इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप स्लिमलेसली कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा झंझट ही ना लगे गियर शिफ्ट करने में। देखो थर्ड गियर में है, क्लच दबाओ और एक नीचे प्रेस करोगे तो सेकंड गियर में आ जाएगा। अब हमें फर्स्ट गियर पे जाना है, फिर से क्लच प्रेस करना है और गियर लीवर को नीचे दबाना है, आ गए हम फर्स्ट गियर पे। बस ऐसे ही गियर शिफ्टिंग बार बार सेकेंड, फिर क्लच दबा के थर्ड, ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मास्टरी करोगे आप इस बाइक को चलाने में, ओके। तो बाइक चल रहा है, इसको बंद करने के लिए मैं क्लच पकड़ूंगा फिर किल स्विच ऑफ करूंगा, ओके, बाइक रहेगा। तो बॉयज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बाइक को कैसे चलाएंगे एंड इसका गियर शिफ्टिंग कैसे करेंगे। मैं बस यही बोलूंगा कि इतना ध्यान रखो कि क्लच पे अपना कंट्रोल हो एंड एक्सेलरेटर पे कंट्रोल हो। एक्सेलरेटर एंड क्लच को कंट्रोल में रखोगे बाइक आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। एंड हाँ, जब आप नया नया बाइक सीखो तो देखना कि मैं जिस जगह पर देखो हूँ पूरा आगे पीछे खाली है, इसे खाली जगह पे प्रैक्टिस करो। सो बॉयज दैट्स इट इन टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉयड इट अ लॉट। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आए, आपको क्या जानना है इस बाइक के बारे में या फिर और कुछ भी। तब तक के लिए ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। दिस इज पिंकुन मोटो व्लॉगर साइनिंग ऑफ, बाय एंड सी यू इन अनदर वीडियो।